लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 7.3 इनइक्वालिटीज। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्टार्ट करते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हो रहे हैं, इनको हम एडमिट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इस क्वेश्चन में आपके पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं उनमें डबल आपके पास साइन आ जाता है डबल इनइक्वालिटीज का। और प्रोसीजर ऑलरेडी कुछ बच्चों ने अटेंड किया था लेक्चर, उनको एक्सप्लेन है कि किस तरीके से हम इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसमें से पार्ट नंबर 3 आप लोगों को अटेम्प्ट करवा रही हूँ। पार्ट नंबर 3 इज -6 लेस देन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 6। अच्छा, सबसे पहले डबल इनइक्वालिटीज वाले साइन में जो मिडल वैल्यू होती है, मीन वैल्यू, उसमें उस के साथ और जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनके साथ पेयर अप करते हैं मीन वैल्यू को। लाइक आपके पास एक ये पेयर बन जाता है और एक ये, और इसके बाद आप इसको दो इनइक्वालिटीज इक्वेशन में कन्वर्ट करके इनको सॉल्व करते हैं, वही इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो प्रोसीजर था उसी के अकॉर्डिंग। लाइक आपके पास यहाँ पे आ जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है -6 लेस देन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, एंड सेकेंड वन इज एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 6। पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। आप सबको नजर आ रहा है 4 इज 4 जो है आपके पास राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन पे इनइक्वालिटी इक्वेशन में डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, ये डिवाइड हो रहा है और इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -6 इंटू 4 लेस देन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आपके पास 6 4s आर क्या होते हैं, 6 4s आर 24, तो -24 लेस देन एक्स माइनस 2। 2 इस साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -24 प्लस 2 लेस देन एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 24 में से 2 माइनस किए तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, -22। -22 ये आपके पास एक साइड सॉल्व हो गई। ठीक है, अब दूसरी साइड पे जो आपके पास इनइक्वालिटी इक्वेशन बनी है एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 6, अगेन इसमें यही प्रोसीजर है कि 4 जो है इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स माइनस 2 एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड हो रहा है। तो व्हेन यू आर शिफ्टिंग 4 ऑन द राइट हैंड साइड, तो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी एक्स माइनस 2 लेस देन 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4s are 24, तो एक्स माइनस 2 लेस देन 24। अगेन आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, 2 आपके पास इस साइड पे माइनस हो रहा है, जब आप इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो 24 के साथ आके 2 प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 24 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाता है 26। तो ये आपके पास इस इनइक्वालिटी का सलूशन आया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इन डबल इनइक्वालिटी आपके पास जो एक्स होते हैं जिनको हम ब्रेक करते हैं मीन वैल्यूज के साथ, हम उन एंड पे उनको मर्ज करते हैं ये एक सोल्यूशन सेट लिखने के लिए, ये एक एक्स आपके पास बन जाता है। अब जब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो आप जरा इसका सोल्यूशन सेट इस साइड पे देखें, सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आपके पास जो सोल्यूशन आए हैं ये एक्स मर्ज हो जाएगा। आप इसे राइट डाउन करेंगे एक्स सच दैट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेस वैल्यू से,
अच्छा इसमें कौन सी जो है स्मॉलर वैल्यू है, -22 है या 26 है? -22 -22 ऑब्वियसली आपको पता है माइनस के साइन के साथ जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होगी बट वो स्मॉलर वैल्यू ही होती है। तो आपके पास -22 स्मॉलर वैल्यू है, तो जब इसे मर्ज करके लिखेंगे तो देखें इसको कैसे लिखते हैं, -22 लेस देन जो इधर साइन है एक्स, ये एक्स मर्ज होके एक एक्स बन गया, देन लेस देन 26, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? या रिपीट करूं? यस मैम, एक दफा रिपीट यस कर देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ना हमें अभी ज्वाइन किया है और उन्हें समझ आई होगी या नहीं आई होगी। ये टू मीन स्मॉलर टू ग्रेटर, -22 26, तो ये सॉल्यूशन सेट राइट वे में राइट डाउन हुआ है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस ठीक है, कैन आई यस रेज? कैन आई रेज? अगर नो डाउन मैम, यस नो ओके। डाउन कर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू का ही पार्ट नंबर सेवन आपको जो है वो मैं करवा रही हूँ। 1, 3 एंड 7 थ्री पार्ट्स मैंने करवाए हैं और 5 पार्ट्स आपने करने हैं। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जब भी टेस्ट आएगा वो आपकी कंसेप्ट बेस पे आएगा, जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट जो है बुक्स के ही क्वेश्चंस जो है मैं आपके टेस्ट में आपके असाइनमेंट्स में आपको दूं। सो क्वेश्चन नंबर हम पार्ट नंबर हम इसका 7 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 2 एक्स 2x लेस देन लेस देन 5 माइनस एक्स लेस लेस देन, देन ब्रैकेट माइनस ठीक है। इस साइन को हम कहते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि आपको लेस देन के साइन के नीचे जो है वो एक ये लाइन नजर आ रही होगी, तो ये लाइन जो है इस साइन को सिर्फ लेस देन नहीं प्रोनाउंस करवाती बल्कि ये है लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x यस 25 माइनस 6x। 6x ओके अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ऑब्वियसली डबल इनइक्वालिटी साइंस वाला क्वेश्चन है, आपको आप सब ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो दैट कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मीन वैल्यू जो है वो इसके साथ एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ पेयर अप करेंगे और दो इक्वेशन फॉर्म होंगी इनइक्वालिटीज इक्वेशन, और उनको सॉल्व करते जाएंगे और एक्स की वैल्यूज आएंगी एंड देन एंड पे हम उन्हें क्या कर देंगे, मर्ज करके सॉल्यूशन सेट राइट आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो इनइक्वालिटी इक्वेशन मिडल वन के साथ मीन वैल्यू के साथ बनती है, दैट इज 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस x। एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपकी इनइक्वालिटीज के साथ बनती है, दैट इज 5 माइनस x लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 6x। अब आप सबको मैंने एक ट्रिक बताई थी, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो उसके इसके बगैर उस ट्रिक के बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, हो सकते हैं, बट फॉर द सॉल्यूशन सेट फॉर द सिंप्लीफिकेशन टू राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज हम क्या करते हैं कि जो एक्स होते हैं उनको ये डॉट कॉमा या जो लाइन हम लगा के साइड पे सॉल्व करते हैं और सब एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं और इस इक्वेशन का एक्स भी इसी साइड पे शिफ्ट रखते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू मर्ज द इनइक्वालिटी टू मर्ज द इनइक्वालिटी साइन। अदरवाइज कुछ बच्चे जो है वो एक्स को इधर शिफ्ट करके सॉल्व कर रहे थे, दैट्स नॉट अ रॉन्ग वे, इट्स राइट वे, लेकिन उनको सोल्यूशन सेट राइट डाउन करने के दौरान जो है वो डिफिकल्टीज जो है वो पेश आती हैं, वो नहीं उस तरह राइट डाउन कर सकते। मीन्स वो इस इंपॉर्टेंट चीज को कि सोल्यूशन सेट इज ऑलवेज फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, तो वो उसको भी इस तरीके से नहीं कर सकते और इनइक्वालिटी साइंस को भी वो डिस्टर्ब कर लेते हैं, मतलब रॉन्ग राइट डाउन कर लेते हैं। सो इन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए वी ऑलवेज यूज्ड सम लिटिल बिट ट्रिक इन मैथमेटिक्स, तो वो ये है कि हम एक्स को जो है डॉट कॉमा या ये जो मार्जिन लाइन जो अक्सर बच्चे ये यहाँ पे लाइन मिडल लाइन लगा के इसके साथ सॉल्व कर रहे होते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक्स को हम यहाँ इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, मीन्स इन दिस इनइक्वालिटी इक्वेशन वी आर गोइंग टू शिफ्ट -2x ऑन द राइट हैंड साइड एंड द नंबर जो आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है ऑन द राइट हैंड साइड 5 वो हम शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ताकि जो x का कंसेप्ट है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ही रहे
मीन्स इस डॉट कॉमा वाली वैल्यू के साथ रहे ताकि हम उसका आंसर जो है वो इजीली राइट डाउन कर सकें. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू शिफ्ट माइनस टू एक्स ऑन द राइट हैंड साइड. आपके पास माइनस यहाँ पे टू एक्स माइनस हो रहा है, जब वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा दैट बिकम्स प्लस टू एक्स. इसी तरह फाइव जो है राइट हैंड साइड पे प्लस है और जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो आपके पास माइनस फाइव में आ जाएगा. नाउ अब सिंपल कैलकुलेशन है प्लस माइनस की. प्लस माइनस माइनस फाइव में सब वन माइनस किया यू गेट माइनस फोर बिकॉज ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस है तो आपने यहाँ पे माइनस राइट डाउन करना है. अगेन प्लस माइनस माइनस टू में से वन एक्स माइनस किया तो यू गेट वन एक्स जस्ट राइट एक्स. ओके दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल. हमने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ तक. अगेन अब नेक्स्ट जो दूसरी साइड पे इनइक्वालिटी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं. वही प्रोसीजर रखते हैं कि हमने डॉट कॉमा के साथ इधर एक्स को शिफ्ट करना है नंबर्स को इस साइड पे. इन दिस केस आपके पास जो एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और जो नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों को सॉल्यूशन सेट्स जो है वो लिखने के लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इस ट्रिक को यूज करने से. अदरवाइज इसमें कोई कंपल्सरी सिचुएशन नहीं है कि आपने यही प्रोसीजर यूज करना है. एवरी वन नोज दैट कि मैथ्स में तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थाउजेंड वेज होते हैं. तो आपके पास इस केस में माइनस सिक्स ऑन द राइट हैंड साइड माइनस हो रहा है, जब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी तो इस माइनस एक्स के साथ आके प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा. एंड जो नंबर है कॉन्स्टेंट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज प्लस फाइव, जब उसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो आपके पास माइनस हो जाएगा 25 माइनस 5. एंड प्लस माइनस माइनस उसे लाइक टर्म्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं. प्लस माइनस माइनस सिक्स में से वन एक्स माइनस किया तो यू गेट फाइव एक्स. एंड ऑन द राइट हैंड साइड प्लस माइनस माइनस 25 में से फाइव माइनस किया यू गेट 20. और अब आपके पास फाइव जो है मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे, जब शिफ्ट करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा. बट इन दिस केस देयर इज नो रिवर्स और नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन बिकॉज दिस इज द फाइव प्लस फाइव नॉट अ माइनस फाइव. अगर हम माइनस फाइव होता है उससे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते तो दिस इनइक्वालिटी साइन विल बी रिवर्स. बट इन दिस केस फाइव विद द पॉजिटिव साइन तो सो देयर इज नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन. तो जब कैंसिलेशन की फाइव फोर आर 20 तो आपके पास आंसर आ गया x less than equals to x less than equal to 4. अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट राइट डाउन करना है. सॉल्यूशन सेट इज ठीक है इट इज विजिबल टू एवरीवन x सच दैट ठीक है. अब आपके पास ये x और ये x मर्ज हो जाएंगे एंड यू गेट द सॉल्यूशन सेट माइनस 4 less than x and less than equals to 4. This is the solution set. ये x और ये x आपके आपस में merge होके ये solution set write down हुआ है. Is it clear to everyone? Yes, ma'am, clear है. Okay, good. Yes, और एक दफा हम अपने solution set को check कर देते हैं कि either this solution is right or not. कैसे check करेंगे? मतलब this solution set जो है हमने right way में write down किया हुआ है या नहीं? आपको मैंने बताया था कि मैथ्स में हमेशा जब इनइक्वालिटीज इक्वेशन में डबल इनइक्वालिटीज इक्वेशन के साइंस होते हैं तो वैल्यूज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर वन टू ग्रेटर वन. तो इन दिस केस जो है वो बिल्कुल सही है. माइनस फोर टू फोर है. माइनस फोर इज स्मॉलर वैल्यू एंड फोर इज ग्रेटर वैल्यू. तो सोल्यूशन सेट सही राइट डाउन हुआ है. तो ये आप नोट डाउन करें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं रिव्यू एक्सरसाइज की आपको कंसेप्ट दूंगी. नोट डाउन प्लीज. ओके स्टूडेंट्स, अब रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3. रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7. यस बेटा कुछ बोलना है आपने? रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 ठीक है. दैट इज जो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3. मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं राइट डाउन करूंगी, सॉल्यूशन से करूंगी. बट स्टेटमेंट जो है आप में से कोई स्टूडेंट इसे रीड आउट करें. अर्सलान आप ही कर दें. द फार्मूला रिलेटिंग डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज एक्स इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी इज एफ स्मॉलर देन 0. I know most of the student is quite familiar to this formula because in physics you also
लर्न कि हाउ टू कन्वर्ट फॉरेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड सेल्सियस इनटू फॉरेनहाइट. तो ये आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेनहाइट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस. लाइक द फॉर्मूला इज F is equals to 9/5 सेल्सियस प्लस 32. इसमें सी जो है वो सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो कर रहा है, और एफ जो है वो आपके पास फॉरेनहाइट टेम्परेचर को शो कर रहा है. ठीक है, आपके पास जो गिवन है वो यही है कि द फॉर्मूला रिलेटिंग डिग्री फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, और आपने जस्ट इसको जो सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ सी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द सी इज एफ लेस देन जीरो, आपने फाइंड आउट करना है. ये आपके पास जस्ट गिवन था, और टू फाइंड आपने करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और केस आपके पास गिवन है एफ लेस देन जीरो. यानी इस केस को यूज करते हुए यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्सियस, कि आपकी कौन सी वैल्यू सेल्सियस की होगी जब एफ जो है वो लेस देन जीरो होगा. फॉर दिस अकॉर्डिंग टू मतलब गिवन स्टेटमेंट हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में जो एफ है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन स्टेटमेंट क्या है कि एफ इज लेस देन जीरो, सो हम क्या पुट करने लगे हैं, एफ विल बी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि एफ को हमने जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है. जब आपने एफ को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास जो ये इक्वेशन है वो बन जाएगी. दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. 9/5c प्लस 32, मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा रिवर्स करके लिख लिया कि इस तरह इस वे में राइट डाउन कर लिया कि जीरो जो है दैट विल बी ऑन राइट हैंड साइड. तो आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट्स वेरी सिंपल. आप क्या करेंगे कि 32 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, देन 5 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा. यू गेट द आंसर कि ये वैल्यू जो है इसके लिए आपके पास एफ इज लेस देन जीरो आ जाएगा. सो 9/5 इसी तरह रहने देते हैं. 9/5c इज इक्वल्स टू 32 इस साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब आपके पास 5 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, मतलब माइनस 32 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5/32 और सी इज इक्वल्स टू 9 आके डिवाइड हो जाएगा. तो 5/32 क्या होता है, 160 आई थिंक, सो 160 ही होता है. ठीक है, सही है. 5/32 माइनस 160. तो आपने वैल्यू फाइंड आउट की कि we get f is less than 0, that is negative c less than equal. ये आपके पास जस्ट एक स्टेटमेंट से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था. इसमें कोई SH और सॉल्यूशन नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक दफा रिपीट कर दूं? यस यस, अच्छा मैं एक बार कर दे, रिपीट कर दे. ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो आपको जस्ट ये कह रहे हैं कि the formula relating degrees and Fahrenheit is this. F is equals to 9/5 c plus 32. आपने find out करना है कि what for what value of the c f is less than zero. C की कौन सी value होगी जिसमें f जो है वो less than zero होगा. तो आपने according to the given statement आपके पास जो है इस केस में आपने f is less than zero लेना है. F is less than zero के लिए c की value find out करनी है. So you are going to substitute the value of f is equals to zero for finding the value of c. आपने ये केस जो है according to given statement f की value zero substitute की, तो आपके पास जो ये equation है वो ये form होगी. आगे equation को solve करना जो है वो difficult नहीं है. आपने क्या किया, just 32 plus हो रहा है, right hand side पे shift किया, minus हो गया, and then 5 divide हो रहा है, इस side पे multiply हुआ, and you get the answer of c is equals to minus 1/60/9. It's mean कि we get f is less than zero,
if C is less than minus 160 by 9. Obviously, C is less than minus 160 by 9. क्यों? क्योंकि C आपके पास वैल्यू दे रहा है माइनस 160 बाई 9 उस केस में जब F क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो F जब की जो भी वैल्यू जीरो से जितनी भी वैल्यूज छोटी होंगी उनमें C की वैल्यूज जो होंगी ओब्वियसली वो माइनस 160 बाई 9 से छोटी ही आएंगी, क्योंकि माइनस 160 बाई 9 तब C की वैल्यू आ रही है जब F की वैल्यू क्या थी, जीरो थी. और आपने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि F की कौन सी वैल्यू पे, F की कौन सी वैल्यूज जो है वो लेस देन जीरो आएंगी जब C की वैल्यू ये होगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. यस यस मैम. ओके बेटा, नोट डाउन कर ले.